वाओ दादी, ये बेल्ट आपके ऊपर काफी अच्छा दिख रहा है। एकदम आप सिंड्रेला जैसे दिख रही हो। अरे क्या, मैं तो हूँ ही सिंड्रेला। ये तो मुझे कहते भी थे तुम सिंड्रेला के जैसे दिखते हो जब कुछ भी ब्लू पहनते हो। सुनीता, अभी कौन आया? आंची, सुनीना आ गई लगता है। आगो भाई, सुनीना क्या बात है, डांस क्लास हो गया? हाँ, डांस क्लास हो गया। मम्मी नहीं आई क्या लेने के लिए? नहीं मम्मी, आज लेट आने वाली है। मुझे सुबह ही बोल दिया था 1-2 घंटा लेट होगा। तो फिर तू जोया के यहाँ से क्यों आए? जोया के पास ही रुकती, वो बड़ी बोर है। तो हम क्या जो करे? हाँ। ना लाइक उसे करती। अंजर आना है। हाँ आओ ना, अंदर आओ। सासुमा, सुनीना आई है। उसकी माँ ना 1 घंटा लेट आ रही है आज, तो हम संभालते हैं तब तक उसको। धर्मशाला है क्या ये? और अरे शांत शांत, सुनीना शांत हो जा। रोने लगी ना? मुझे वो चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगा, मेरा है ये। जो नहीं तो मैं रोऊंगी। हो गई शांत। अभी सासू माँ तुझे अच्छे से कहानियां सुनाए। आपको कहानियां आती है क्या? दादी आप इसको कोई कहानी सुना दो। नहीं आती मुझे कोई कहानी। दादी मैं क्या बोलती हूँ, सुना दो ना कोई कहानी। क्या है, कहानी सुनेगी तो शांत बैठेगी। कौन सी कहानी सुननी है तुझे? मुझे ना फेरी टेल की कहानी सुननी है, पोलियो की। वो लंबे बालों वाले की कहानी बताओ। टैंगलन टैंगलन। नहीं वो नहीं, मुझे सिंड्रेला की कहानी सुननी है। सिंड्रेला? सिंड्रेला? सिंड्रेला की कहानी तो सबको पता है। नहीं पता है मुझे सिंड्रेला की कहानी, आधा ही पता है मुझे। कौन सी दुनिया में जीती है ये? तुझे पता होगी घोड़ी, इसको कैसे पता, ये अभी छोटी है। चल ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ सिंड्रेला की कहानी। हाँ मुझे बताओ सिंड्रेला की कहानी। कौन थी सिंड्रेला? बहुत पुरानी बात है, जब राजा रानी राज करते थे, एक राज्य था बहुत सुंदर, उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी, उसका नाम था एला। सिंड्रेला। उसकी सौतेली माँ एक नंबर की डायन थी। डायन, ये सोने का वक्त नहीं है, जल्दी से उठो, घर की सफाई करनी है, बर्तन करने हैं, कपड़े धोने हैं और पोछा भी लगाना है। 2 वक्त का खाने को मिल रहा है ना, तो काम भी किया करो। उससे वो बहुत काम करवाती थी। हाथ जरा तेजी से चलाना, बस दूसरी जगहों पे तुम्हारे हाथ चलते हैं, जहां पे चलाने हो वहां पे तुम नहीं चलाते। उस सौतेली माँ की 2 बच्चियां भी थी। सिंड्रेला, तुमको मेरे कपड़े धोने हैं, पिछले 1 हफ्ते से पड़े हुए हैं, मैंने नहीं देखे, जल्दी से जाके धो दो कपड़े। वो भी सिंड्रेला को काफी परेशान करते थे, पर सिंड्रेला हमेशा उनके साथ अच्छे से पेश आती थी। उसने कभी उनकी बुराई नहीं की, उनके पीठ पीछे बात नहीं की। उसकी माँ और उसकी बहनें दिन भर उसको काम बताते थे और बेचारी वो दिन भर बस काम करती रहती थी। फिर एक दिन राजमहल में राजा ने अपने राजकुमार को बुलाया। क्या बात है, आपने हमें बुलाया? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। देखो तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, मैं ये सोच रहा था तुम्हारी शादी की जाए। पर पापा मुझे कोई पसंद ही नहीं है। पसंद आ जाएगी, मैंने हमारे राजमहल में एक बहुत बड़ा जश्न रखा है, वहां पे राज्य की सभी लड़कियां आएंगी, शायद उनमें से तुम्हें कोई पसंद आ जाए। जब ये बात सिंड्रेला की सौतेली माँ को पता चली कि राजमहल में जश्न होने वाला है, वो अपनी बेटियों को तैयार करने में लग गई। क्या हुआ मामी? सुना है राजा ने राजमहल में जश्न रखा है अपने राजकुमार के लिए, राजकुमार की शादी की बात चल रही है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। जश्न में
शायद राजकुमार किसी को अपनी पत्नी बना सकते हैं। क्या? ये बात सिंड्रेला ने सुनी और उसको लगा उसको भी जाना चाहिए इस जश्न में। मॉमी, आई एम रेडी। और कितना बेसुरा गाएंगे? आई एम ऑल्सो रेडी मॉमी। बहुत खूब, क्या दिख रहे हो तुम दोनों? सच में मेरा दिल खुश हो गया तुम दोनों को देख के। राजकुमार, तुम दोनों में से ही किसी एक को चूज करेंगे। उसने अपनी माँ की ड्रेस को अच्छा किया, थोड़ा सा वो फट गया था उसको जोड़ दिया। और मुझे भी आप लोग उनके साथ आना है। सिंड्रेला, कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम, कहाँ से लिया ये ड्रेस? ये मेरी माँ का है। तुम्हें भी आना है, पर वो जश्न शाही लोगों का है, वहाँ पे ड्रेस तो अच्छा ही चाहिए। अच्छा तो है, ये मेरी माँ का है। फट गया। पर वो कहते हैं ना, हर कहानी का विलन होता ही है। उसकी डायल सौतेली माँ ने उसको जाने से साफ मना कर दिया, उसका ड्रेस भी फाड़ दिया। कहीं नहीं आओगे तुम, यही इसी घर में पड़ी रहोगी। पानी तक बर्तन, कपड़े और पोछा सब कुछ होना चाहिए। खाना तैयार रखना, अगर वहां पर नहीं मिला तो यहाँ पे आके खाएंगे, समझ गई तुम? चलो गर्ल्स। फिर सिंड्रेला अकेली गार्डन में चली गई और वहां पे रोने लगी। तभी वहां पे एक जादूगरनी आई। ससमा, यहाँ पर भी आई? क्यों तो परेशान कर रही है, जहाँ पे कहानी बता रही हो? मैं ये पूछने आई थी, रात को क्या खाओगी आप? कर कुछ। फिर क्या हुआ? वो जादूगरनी एक बुढ़िया के रूप में आई थी आपके जैसे। क्या आपको पानी चाहिए? नहीं, पानी नहीं चाहिए मुझे। बेटा, तू रो क्यों रही है? आज जश्न है, मुझे जश्न में जाना था। तो क्यों नहीं गई? तो अभी नहीं जा सकती, वहां पे जश्न शुरू भी हो चुका होगा। बस इतने सी बात? तब अच्छा लग रहा है मुझे। मैं द फेरी गॉड मदर, तुम्हारी हर इच्छा हर ख्वाहिश मैं करूंगी पूरी। तुम्हें जाना है जश्न में, मैं तुमको भेजूंगी जश्न में। फिर जादूगरनी का जादू शुरू हो गया। इसमें बैठ के तुम जाओगे। पर मैं इस ड्रेस का क्या करूं? आह, उसके बारे में तुम्हें भूल ही गई, माफ कर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, जो तुमके बारे में तुम भूल गए, जाओ, तुम्हारा सब जश्न में इंतजार कर रहे होंगे। एक बात का ध्यान रखना, ये जादू बस 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे के बाद जो जैसा था वैसा वापस हो जाएगा। जाओ। जश्न शुरू हो गया था, देश विदेश से लोग वहां पे आ रहे थे, साथ ही कई राजकुमारियां भी आ रही थी।
राजकुमार कहाँ? बोला प्रिंस। चुप बैठो नलायको। तभी सिंड्रेला महल के अंदर पहुंच गई। सभी बस उसी को देख रहे थे। उसकी खूबसूरती देख राजकुमार की आंखें उससे हटी नहीं रही थी। राजकुमार ने उसे डांस के लिए पूछा और दोनों का रोमांस भरा डांस शुरू हो गया। अभी घड़ी में बजे 12, सब चीजें बदलने लगे दोबारा। नाम क्या है तुम्हारा? मुझे जाना पड़ेगा। सिंड्रेला भागने लगी। अचानक उसका एक जूता सीढ़ियों पे गिर गया। राजकुमार ने वो जूता उठा लिया। फिर क्या हुआ? सिंड्रेला अपने घर चली गई। जो जो चीजें बदल गई थी वो सारी जैसी की वैसी हो गई। घर आने के बाद सिंड्रेला बहुत खुश थी क्योंकि एक जूता उसके पास अभी भी वैसा ही था। राजा की तबीयत खराब होने लगी थी। राजा ने राजकुमार को बुलाया और कहा, तुम जल्दी से शादी का विचार करो। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम शादी करो। मुझे पता है मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाला और इस राज्य को नए राजा और रानी की सख्त जरूरत है। राजकुमार ने उनके सेवकों को बुलाया और कहा, मुझे वो लड़की चाहिए जिसके साथ मैंने डांस किया। मुझे कैसे भी करके उस लड़की तक पहुंचना है। आ, जितनी लड़कियां फंक्शन में आई थी उन सबके घर पे आप जाओगे और ये शू उनको ट्राई करोगे। जिस किसी को भी ये शू आएगा उसको आप मेरे पास लेके आओ। फिर राजकुमार ने वो जूता दिखाया और कहा, ये जूता उसी लड़की का है जिसके साथ मैंने डांस किया। जाओ राज्य की हर लड़की के घर जो जश्न में शामिल हुई थी और ये जूता ट्राई करो। जिसको ये जूता आएगा उसी के साथ मैं शादी करूंगा। सेवक चले गए लड़के को ढूंढने। बहुत सारे घरों में गए पर किसी को वो जूता नहीं आया। सिंड्रेला के पास जो एक जूता बचा हुआ था उसकी भनक उसकी सौतेली माँ को लग गई। कहाँ से मिला तुम्हें यह जूता? खबरदार जो मेरे करीब आई था, अभी आज इसी वक्त से तुम इस कमरे में बंद रहोगी जब तक मैं नहीं दरवाजा खोलती। अब बारी आई सिंड्रेला के घर की। सेवक सिंड्रेला के घर पे आए। आइए आइए, ये मेरी दो बेटियां हैं। सिंड्रेला को अपनी माँ की याद आई। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम किसी का बुरा नहीं करते तो भगवान तुम्हारा भी कभी बुरा नहीं होने देता। तुम हमेशा लोगों की मदद करती हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। चलिए आप ट्राई कीजिए। थोड़ा जोर से ट्राई कीजिए आप। माफ कीजिए, मैं इससे ज्यादा ट्राई नहीं कर सकता। अगर ये टूट गया तो राजकुमार मुझे तोड़ देंगे। आपकी बारी, प्लीज आप जल्दी से ट्राई कीजिए। जोर से, जरा जोर से। नहीं बैठ रहा आपको, माफ कीजिए।
आप जानबूझ के ट्राई नहीं कर रहे हो अच्छे से। आप एक बार फिर से मुझे ट्राई कीजिए। चुप बैठो तुम दोनों। देखिए मैं ट्राई करती हूँ, शायद मुझे आ जाए। मजाक कर रही हो, आप जा सकते हैं, दरवाजा उस तरफ है। क्या आपके घर में बस आपकी दो बेटियां रहती है? जी हाँ, हमारे घर में बस मैं और मेरी दो बेटियां हैं। सेवक वहां से बस जाने ही वाले थे तभी राजकुमार ने मुझे आज्ञा दी है, जितनी भी लड़कियों ने जश्न में सहभाग लिया था उनको ये जूता ट्राई करने के लिए बोला गया है। जैसे ही सेवकों ने सिंड्रेला को जूता पहनाने की कोशिश की, एक झटके में उसको वो जूता आ गया। फिर क्या हुआ, राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, आज से आप लोगों की नई क्वीन ये